आफ्टरनून एवरीवन आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटोमोलॉजी के क्वेश्चंस जो पिछले साल में एएफओ में पूछे गए थे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्विज सेशन जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको उसका आंसर चैट सेक्शन में देना है उसके बाद में आपको उसके करेक्ट आंसर बताए जाएंगे चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ तो फर्स्ट क्वेश्चन है एट व्हिच स्टेज ऑफ ग्राम क्रॉप इज डैमेज्ड बाय क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन से स्टेज पे हेलिकोवर्पा आर्मी जेरा करता है ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं ऑप्शन ए जर्मिनेशन स्टेज ऑप्शन बी पॉड फॉर्मेशन स्टेज ऑप्शन सी मैच्योरिटी स्टेज और ऑप्शन डी है बोथ सी एंड बी पॉड फॉर्मेशन भी और मेचोरिटी भी और ऑप्शन ई e है नन ऑफ दिस तो आपको बताना है कि कौन से स्टेज पे हेलिकोवर्पा आर्मी डैमेज करता है ग्राम क्रॉप में चलिए आपके आंसर्स देखेंगे और उसके बाद में आपको इसका करेक्ट आंसर बताएंगे तो बहुत सारे लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है तो जो आपका हेलिकोवर्पा आर्मी जेरा है ये कौन सी स्टेज पे डैमेज करता है ऑप्शन बी पॉड फॉर्मेशन स्टेज जैसा कि आपको पता है कि जो हेलिकोवर्पा आर्मी जेरा है इसको हम पॉड बोरर भी बोलते हैं तो यहीं से पता चलता है कि ये जो पॉड फॉर्मेशन स्टेज है, उसके है। उसके ऊपर डैमेज करता फैमिली क्या है नॉक्च्यूडे और ऑर्डर क्या है लेपिडोप्ट्रा है मतलब ये मौत है मौत है इसीलिए लैपिडोप्टा को बिलोंग करता है एक्टिव तो ये पूरे साल रहता है पर जो डैमेज कॉज करता है वो नवंबर से मार्च में डैमेज कॉज करता है अब डैमेज कौन कॉज करते हैं इसमें डैमेज लार्वे कॉज करते हैं तो जो हेलिकोवर्पा पर आर्मी जेरा है बेसिकली कौन से स्टेज पे डैमेज करता है पॉड फॉर्मेशन स्टेज पे डैमेज करता है इसीलिए इसको ग्राम पॉड बोरर भी बोला जाता है चलिए ये हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन एफ ओ टू थाउजेंड सिक्सटीन में पूछा गया था क्वेश्चन में पूछा है बेरियम कार्बोनेट एंड एल्यूमिनियम फॉस्फेट आर जनरली यूज इन कि जो बेरियम कार्बोनेट है और एल्यूमिनियम फॉस्फेट है जनरली किस चीज के लिए यूज किया जाता है ऑप्शन दिए गए हैं रोडेंटिसाइड ऑप्शन बी है फ्यूमिगेंट ऑप्शन सी है एविसाइड ऑप्शन डी है फंजिसाइड और ऑप्शन ई e है हर्बिसाइड तो आपको बताना है कि जो बेरियम कार्बोनेट है और जो एल्यूमिनियम फॉस्फेट है ये कि किसके लिए यूज किए जाते हैं रोडेंट्स के अगेंस्ट यूज किए जाते हैं या फिर फ्यूमिगेंट यूज किए जाते हैं या फिर बर्ड्स के अगेंस्ट एविसाइड यूज किए जाते हैं या फिर फंजाई के अगेंस्ट फंजिसाइड यूज किए जाते हैं या फिर वीड्स के अगेंस्ट यानी कि हरबी साइड के लिए यूज किए जाते हैं तो आपको इसमें से एक करेक्ट आंसर देना है चलिए आपके आंसर्स भी चेक कर लेते हैं तो बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है इसका भी तो जो आपके बेरियम कार्बोनेट है और एल्यूमिनियम फॉस्फेट है इसको जनरली रोडेंटिसाइड यूज किया जाता है रोडेंट्स के अगेंस्ट इनको यूज किया जाता है अब देखते हैं बाकी कौन कौन से रोडेंटिसाइड्स अवेलेबल हैं तो जो थैलियम है वो भी एज अ रोडेंटिसाइड यूज किया जाता है बेरियम कार्बोनेट और फॉस्फाइड्स फॉस्फाइड्स चाहे एल्यूमिनियम फॉस्फाइड है चाहे जिंक फॉस्फाइड है उनको एज रोडेंटिसाइड हम यूज कर सकते हैं चलिए बहुत अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है खापरा बीटल इज अ पेस्ट ऑफ 2017 में पूछा गया था एफ में कि खापरा बीटल किसका पेस्ट है देख लेते हैं ऑप्शन में ऑप्शन दिए गए हैं सिडलिंग ऑप्शन बी है स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑप्शन सी है वाइन प्लांट्स ऑप्शन डी है स्टोर्ड ग्रेन और ऑप्शन ई e है पोटैटो तो इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि खापरा बीटल किसके ऊपर अटैक करता है किसका ये पेस्ट है ऑप्शन आपको दिए गए हैं सिडलिंग स्टैंडिंग क्रॉप्स वाइन प्लांट्स स्टोर्ड ग्रेन और पोटैटो तो आपको इसमें से एक करेक्ट आंसर बताना है कि खापरा बिटल किसका पेस्ट है तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है स्टोर्ड ग्रेन इसमें से जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है स्टोर्ड ग्रेन क्योंकि जो खापरा बिटल है यह बेसिकली क्या है स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट है खापरा बिटल को हम और क्या बोलते हैं कैबिनेट बिटल खापरा बीटल को कैबिनेट बीटल भी बोला जाता है अगर इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो साइंटिफिक नेम है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम फैमिली की बात करें तो फैमिली है डरमेस्टिडे और ऑर्डर है क्योंकि ये बीटल है इसीलिए इसका ऑर्डर क्या होगा कोलियोप्ट्रा इसका ओरिजिन है साउथ एशिया और बेसिकली ये क्या है स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट है तो इसमें से इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट जो आपका खापरा बिटल है वो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट है चलिए हमने इसका डिस्कशन कंप्लीट किया अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ए एफ टू थाउजेंड सिक्सटीन में पूछा गया था क्वेश्चन क्या था ट्राइकोग्रामा इज ऑप्शन दिए गए हैं एन इंसेक्ट बायोपेस्टिसाइड म्यूटेंट वेराइटी ऑफ वीट ऑफ फंगल वेराइटी और नन ऑफ दिस इसमें पूछा गया था कि जो ट्राइको जो ट्राइकोग्रामा है वो क्या है क्या वो इंसेक्ट है क्या वो बायोपेस्टिसाइड है क्या वो म्यूटेंट वेराइटी है वीट की या फिर किसी फंगस की वेराइटी है या फिर नन ऑफ दिस तो इसमें से देखते हैं किसका करेक्ट आंसर क्या है आपके आंसर चेक कर लेते हैं चलिए तो यहां पे जो आपका ट्राइकोग्रामा दिया गया है बेसिकली क्या है वो इंसेक्ट है जो ट्राइकोग्रामा है वो इंसेक्ट है आपको पता है कि जो ट्राइकोग्रामा है बेसिकली क्या है पॉलीफेगस है पॉलीफेगस का मतलब है कि बहुत सारी चीजों के ऊपर वो फीड करता है उसके बहुत सारे होस्ट हैं। तो ये पॉलीफेगस वॉस्प है जो बेसिकली क्या है एग पैरासिटॉइड है एग्स के ऊपर ये पैरासिटाइज करते हैं तो ये एग पैरासिटोइड है इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है इंसेक्ट क्योंकि बेसिकली ट्राइकोग्रामा क्या है इंसेक्ट है। चलिए इसके बाद भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ए एफ टू थाउजेंड में पूछा गया था और क्वेश्चन था एल्यूमिनियम फॉस्फाइड इज काइंड ऑफ कि जो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड है वो क्या है ऑप्शन में दिया गया है फंजिसाइड ऑप्शन बी है हर्बिसाइड। ऑप्शन सी है इंसेक्टिसाइड। ऑप्शन डी है, रोडेंटिसाइड और ऑप्शन ई e है अकेरिसाइड तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि एल्यूमिनियम फॉस्फाइड किस लिए यूज होता है क्या वो फंगस को किल करने के लिए यूज होता है फंजिसाइड है या फिर वीड्स को किल करने के लिए यूज होता है हर्बी साइड है या फिर पे पेस्ट या इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज होता है इंसेक्टिसाइड है रोडेंट्स को किल करने के लिए यूज होता है रोडेंटिसाइड है या फिर बाइट्स को किल करने के लिए यूज होता है जिसको हम अकेरीसाइड बोलते हैं तो इसमें से आपको बताना है कि एल्यूमिनियम फॉस्फाइड क्या है चलिए आपके आंसर्स भी देख लेते हैं उसके बाद में आपको इसका करेक्ट आंसर बताएंगे तो जो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड है वो रोडेंटिसाइड है आपने करेक्ट आंसर्स दिए हैं कि जो एल्यूमिनियम फोस्फाइड है बेसिकली वो क्या है रोडेंटिसाइड है रोडेंट्स को किल करने के लिए यूज होता है ऐसे ही क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके जिसमें हमने पढ़ा कि रोडेंटिसाइड में थैलियम भी है जो आपके फोस्फाइड हैं जिंक फोसफाइड है वो भी इसी में आता है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड भी रोडेंटिसाइड में आता है अभी हमने डिस्कशन किया था चलिए ये तो क्लियर हो गया अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था जो एफ ओ टू थाउजेंड नाइनटीन में पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इंसेक्ट इंसेक्टमेज इन साइड बताना था कि जो आपको दिए गए हैं, इसमें से कौन सा इंसेक्ट ऐसा है जो स्टेम के अंदर डैमेज करता है देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। स्टेम बोरर, ऑप्शन ए ऑप्शन बी है गोलमिज ऑप्शन सी है ब्राउन प्लांट हॉपर ऑप्शन डी है एफिड और ऑप्शन ए दे दिया गया था लीफ कर्ल तो आपको बताना है कि स्टेम के अंदर कौन सा इंसेक्ट डैमेज कॉज करता है इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है उसके बाद में आपको इसका करेक्ट आंसर बताया जाएगा चलिए तो बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर भी कर दिया है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो देख लेते हैं अब हम करेक्ट आंसर है स्टेम बोरर जैसा कि नाम से पता चल रहा है स्टेम लिखा है बोरर क्या करते हैं स्टेम के अंदर डैमेज कॉज करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है स्टेम बोरर है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं बहुत सारे लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था तो ये ओ ट्वेंटी ट्वेंटी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एफिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच डिजीज इन टोबैको कि आपका जो एफिड है वो इनमें से कौन सी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन ए है टोबैको मुजैक वायरस डिजीज ऑप्शन बी है टोबैको लीव कर्ल डिजीज ऑप्शन सी है टोबैको विल्ट ऑप्शन डी है कुकुम्बर मुजैक वायरस और ऑप्शन ई e है नन ऑफ दिस तो आपको बताना है कि एफिड की वजह से कौन सी डिजीज है टोबैको में और ऑप्शन आपको दिए गए हैं इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी डिजीज है जो एफिड की वजह से होती है इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे उसके बाद में कि बाकी डिजीज किस वजह से होती है पहले आपको बताना है किसका करेक्ट आंसर क्या है चलिए अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है तो जो करेक्ट आंसर है कि एफिड की वजह से कौन सी डिजीज होती है वो है कुंबर मोजैक वायरस जो आपका कुकुम्बर मोजैक वायरस है एफिड जिसको क्या करते हैं ट्रांसमिट करते हैं तो इनडायरेक्टली इन्होंने क्या पूछा है ट्रांसमिशन पूछा है कि एफिड्स की वजह से कौन सी इनमें से डिजीज है टोबैको में जो ट्रांसमिट होती है तो जो कुकुम्बर मोजैक वायरस है वो एफिड की वजह से ट्रांसमिट होता है अब जो बाकी की डिजीज है जैसे टोबैको मोजैक वायरस डिजीज है ये आपको पता है कि अगर रबिंग करेंगे इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में तो भी ये ट्रांसमिट हो जाएगी या फिर टूल्स के थ्रू ये ट्रांसमिट हो जाएगी या फिर अगर कोई मैन कुछ काम कर रहा है तो कंटेमिनेशन के थ्रू भी ये ट्रांसफर हो सकती है है ना जो दूसरी है टोबैको लीफ कर्ल तो आपको पता है कि जो टोबैको लीफ कर्ल है उसको कौन ट्रांसमिट करता है व्हाइट फ्लाइज ट्रांसमिट करते हैं बेमेसिया तो जो टोबैको लीफ कर्ल था उसका व्हाइट फ्लाइज था तो बाकी ऑप्शन में हमारे पास फिर क्या बचा था कुकुम्बर मुजैक वायरस जिसको एफिड्स ट्रांसमिट करते हैं चलिए अब ये क्वेश्चन की डिस्कशन तो हमने देख ली अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो ये भी एफ ओ ट्वेंटी ट्वेंटी में पूछा गया है अबाउट हनी बी एंड बी कॉलोनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट यहां पे पूछा गया है कि हनी बीज के बारे में और जो बी कॉलोनी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है या फिर करेक्ट नहीं है चलिए ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन ए है। इज़ अ नेचुरल प्रोसेस ऑप्शन बी दिया गया है अनफर्टिलाइज एग बिकम वर्कर बीज ऑप्शन सी दिया गया है वैक्स मॉथ अटैक इन लार्वल स्टेज एंड नॉट अडल्ट स्टेज ऑप्शन डी दिया गया है क्वीन वर्कर ड्रोन आर डिफरेंट ऑप्शन ई दिया गया है प्रोपोलिस रॉयल जेली बी वेनम आर द प्रोडक्ट ऑफ बीस तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है या फिर फॉल्स है तो पांच स्टेटमेंट आपको दी गई है इसमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है उसके बाद में आपको इसका करेक्ट आंसर बताया गया था अभी आप बताएंगे कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है फिर आपको इसका करेक्ट आंसर बताया जाएगा कि इन में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है या फॉल्स है चलिए आपके आंसर्स भी देख लेते हैं सबने सही आंसर दिया है इसका जो ऑप्शन ए था वो था स्वार्मिंग इज नेचुरल प्रोसेस तो ये स्टेटमेंट तो ठीक थी तो ऑप्शन भी दिया गया था अनफर्टिलाइज एग बिकम वर्कर बीज तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो अनफर्टिलाइज एग्स हैं वो वर्कर बीज नहीं बनती वो ड्रोन बनते हैं जो फर्टिलाइज एग्स हैं वो वर्कर या क्वीन बनते हैं इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत थी जो नेक्स्ट थी स्टेटमेंट वो थी कि वैक्स मॉथ अटैक इन लार्वल स्टेज एंड नॉट अडल्ट स्टेज तो ये भी ठीक था क्वीन वर्कर एंड ड्रोन आर डिफरेंट ये भी सही था उसके बाद में था प्रोपोलिस रॉयल रॉयल जी रौयल जेली एंड बी वेनम दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ हनी बीस तो ये स्टेटमेंट भी ठीक थी इसीलिए जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी जो गलत स्टेटमेंट थी वो था ऑप्शन बी चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है देखने में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था पर बहुत ही इजी क्वेश्चन था एफ ओ ट्वेंटी ट्वेंटी में पूछा गया था क्वेश्चन क्या था गावा पेस्ट विच डिपॉजिट एग्स ऑन सॉफ्ट स्किन ऑफ द राइपनिंग फ्रूट ऑन द फ्रूट एंड फीड ऑन द सॉफ्ट पल्प द इनफेस्टेड पार्ट शो डिप्रेशन विद डार्क ग्रीन पंक्चर एंड वेन कट ओपन्स द मैगेट्स आर विजिबल एंड फाइनली फ्रूट रॉट एंड फॉल तो इसमें से आपको बताना है इसमें सिंपली पूछा गया है कि कौन सा ऐसा गावा का पेस्ट है कौन सा ऐसा पेस्ट है जो गावा में अटैक करता है और उसके बाद में क्या होगा वो वहां पे एग एग करेगा और एग लेंग के बाद क्या होगा हैचिंग होगी मैगिट्स निकलेंगे और जो पल्प है फ्रूट का उसके ऊपर फीड करेंगे और वहां पे जो आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे वो कैसे दिखाई देंगे डिप्रेशन दिखाई देंगे और डार्क ग्रीन कलर के पंक्चर्स दिखाई देंगे और जब आप उसको कट करोगे तो आपको उसमें मैगेट्स दिखाई देंगे और फाइनली फ्रूट टूट के नीचे गिर जाएगा ऑप्शन दिए गए थे मिली बग एफिड्स वाइट फ्लाय या थ्रिप्स तो आपको इसमें से बताना था कि ये किसकी वजह से होता है कौन सा ऐसा पेस्ट है जो गावा में अटैक करेगा और ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी था बस थोड़ा लंबा करके दे दिया गया था तो आपके आंसर देख लेते हैं उसके बाद में आपको इसका आंसर बताएंगे आपको इसका आंसर बताना है तो चलिए आपने इसका सही आंसर दिया है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रूट फ्लाई तो फ्रूट फ्लाई क्या करती है बेसिकली जो आपके फ्रूट्स हैं गावा के फ्रूट्स हैं उनके ऊपर क्या करेगी एग्स देगी तो वो जब वो डिपॉजिट करेगी जब वो ओवी पोजीशन करेगी तो वहां पे पंक्चर्स देखने को मिलते हैं ग्रीन कलर के आपको पंक्चर्स देखने को मिलेंगे उसके बाद में क्या होगा लार्वे क्या करेंगे उसमें उसके ऊपर फीड करेंगे पल्प के ऊपर जो गावा है उसके पल्प के ऊपर फीड करेंगे उसके बाद में वो में पिपेशन करते हैं है ना तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो क्या था फ्रूट फ्लाई था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी डिस्कशन कि गावा फ्रूट फ्लाई का बेसिकली क्या फंडा है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दैट इज सौरगम शूट फ्लाई अटैक सिम्टम्स आर कि जब सॉर्गम फ्रूट फ्लाय जब आपकी अटैक करती है शूट फ्लायटम्स तो क्या क्या है फर्स्ट सिम्टम दिया गया है द लार्वे कट्स इन विल्टिंग एंड ड्राइंग ऑफ द सेंट्रल लीफ पहला सिमटम दिया गया है कि कौन सा सिम्टम है करेक्ट आपको बताना है कि जो लार्वे है वो ग्रोइंग पॉइंट के ऊपर क्या करेगा कट करेगा उसके बाद में क्या होगा विल्टिंग और ड्राइंग हो जाएगी बीच वाली लीफ की दूसरा दिया गया है येलोइंग ऑफ लीव्स फ्रॉम टिप टू डाउनवर्ड्स ऊपर से नीचे की तरफ को येलोइंग हो जाएगी नेक्स्ट दिया गया है लीव्स फोल्ड लॉन्गिट्यूडली एंड लारवा रिमेन्स इन साइड की जो लीव है और लार्वा उसके अंदर रहेगा नेक्स्ट दिया गया है फीड ऑन ग्रीन टिश्यूज ऑफ द लीव्स एंड लीव्स बिकम वाइटिश पेपरी कि जो लीव्स हैं वो कैसे हो जाएंगी वाइटिश पेपरी हो जाएंगी क्योंकि जो आपका फ्लाई है वो उसके अंदर फीड करेगी ग्रीन टिश्यूज के ऊपर और ऑप्शन ई e दिया गया था दिस तो आपको बताना है कि जो शूट है वो उसके symptom क्या है? ये क्वेश्चन भी ट्वेंटी में पूछा गया था चलिए आपके आंसर देखते हैं उसके बाद में आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपको बेसिकली सिम्टम बताना था कि क्या उसके अटैक के सिम्टम्स हैं क्या वो करता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कट्स द द ग्रोइंग पॉइंट रिजल्टिंग इन एंड ड्राई ऑफ़ सेंट्रल तो आपका जो शूट फ्लाई है वो इस तरह से ही अटैक करेगा वो कट कर देगा ग्रोइंग पॉइंट को और उसके बाद में बिल्टिंग और ड्राइंग हो जाती है सेंट्रल लीफ की चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में भी तो ये जो आपका फ्लाई है इसका नाम क्या है एथारीगोना सोकेटा जो सॉर्गन शूट फ्लाई है उसका नाम है एथेरिगोना सोकेटा फैमिली की मस्किडे है फीडिंग का मेथड वही है जो हमने ऑप्शन में पढ़ा कि लार्वे फीड ऑन द सेंट्रल ग्रोइंग शूट जो भी सेंट्रल की ग्रोइंग शूट है उसको वो कट करेगा और उसके बाद में विल्टिंग और ड्राइंग हो जाएगी चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ए एफ में ही Which trap is used to trap male in IPM? कौन सा इनमें से ट्रैप मेल्स को कैप्चर करने के लिए यूज किया जाता है आईपीएम मतलब की इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ऑप्शन दिए गए हैं फेरोमोन ट्रैप केज ट्रैप लाइट ट्रैप ग्लू ट्रैप और स्टिकी कार्ड्स तो इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा ट्रैप मेल्स को ट्रैप करने के लिए यूज किया जाता है आईपीएम में चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं आपके उसके बाद में आपको करेक्ट आंसर बताते हैं तो इनमें से जो ट्रैप मेल्स को कैप्चर करने के लिए या ट्रैप करने के लिए यूज किया जाता है आईपीएम में वो है फेरेमोन ट्रैप जैसा कि आपको पता है कि फेरोमोन क्या है बेसिकली वो दूसरे इंसेक्ट्स को ल्योर करता है जैसे जो फेरोमोन्स हैं फेराम हॉर्मोन्स होते हैं है, जिसके थ्रू आपके जो इंसेक्ट है वो कम्युनिकेट करेगा या फिर मेटिंग के लिए यूज होगा तो उसी तरह के आर्टिफिशियल हार्मोन क्रिएट किए जाते हैं ट्रैप में ताकि जो मेल इंसेक्ट है वो उसकी तरफ क्या हो अट्रैक्ट हो या आकर्षित हो इसीलिए जो आपका करेक्ट आंसर है इसका वो क्या है फेरोमोन ट्रैप जो मेल्स को क्या करता है अट्रैक्ट करता है चलिए इस क्वेश्चन की डिस्कशन अब हमने कर ली है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट इन कॉटन बॉलवॉम तो आपको बताना है कि कौन सा एंटोमोपैथोजेनिक फंगस है जो आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज किया जाता है कॉटन बॉलवॉम के लिए ये भी एफयू 2020 में पूछा गया था ऑप्शंस क्या-क्या हैं ब्यूवेरिया बेसियाना स्पोडोप्ट्रल ल्यूटन्स हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा वर्टिसिलियम या फिर नन ऑफ दिस तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एंटोपैथोजेनिक फंगस है जिसको कॉटन बॉलवर्म के अगेंस्ट यूज किया जाता है इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है इन पांच ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसको बायो कंट्रोल में यूज किया जाता है चलिए अब इसका आपको करेक्ट आंसर बताते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है ब्यूवेरिया बेसियाना ब्यूवेरिया बेसियाना को वाइट मेस्कार्डिन फंगस भी बोला जाता है जो आपके लैपिडॉक्टर है उसके अगेंस्ट भी इसको यूज किया जाता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है ब्यूवेरिया बेसियाना तो जो आपको ब्यूवेरिया बेसियाना है वह एंटोमोपैथोजेनिक फंगस है जिसको बायो कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है कॉटन बॉलवॉम के लिए चलिए अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वट इज द बायो एजेंट टू कंट्रोल कॉमन मिलीबग इसमें पूछा गया है कि कौन सा बायो एजेंट मिलीबग को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है ऑप्शन हैं रोडोलिया कार्डिनेलिस ऑप्शन बी है पावलस ऑप्शन सी है लेप्टोमेस्टिक्स डेक्टिलोपी ऑप्शन डी है ऑर्जिलस लैपिडस और ऑप्शन ई e है सम्बेंडिनस तो आपको बताना है कि इन पांचों में से क्या करेक्ट आंसर है कि, कि किस बायो एजेंट को यूज किया जाता है मिले बग को कंट्रोल करने के लिए इनमें से मिली बग का बायो कंट्रोल एजेंट कौन सा है किसको यूज किया जाएगा ताकि हम मिली बग को कंट्रोल कर सकें कौन सा ऐसा बायो एजेंट है इन पांच ऑप्शन में से आपके आंसर देख लेते हैं उसके बाद में आपको इसका आंसर बताते हैं थोड़ा सा फिर इसका डिस्कशन भी करेंगे कि इसमें से कौन सा क्या है चलिए अब आपके आंसर्स भी आ गए हैं कुछ लोगों ने ए बोला है कुछ ने बी कुछ ने सी देखते हैं इसका करेक्ट आंसर अब क्या है तो जो करेक्ट आंसर है वो है लेप्टोमेस्टिक्स डेक्सटलोपी तो जिन्होंने सी बोला था उनका आंसर करेक्ट है बेसिकली क्या है जो आपका रुडोलिया है आपको पता है कि ये क्या है विडेलिया बिटल है है ना या फिर इसको हम कार्डिनल बिटल भी बोलते हैं जो सेकंड पूछा गया था पेडियोबियस पार्वलस ये भी क्या है ये आपका वॉस्प है पेरासिटॉइड वॉस्प है जो किसके लिए यूज किया जाता है मेक्सिकन बीन बिटल के अगेंस्ट यूज किया जाता है जो सी ऑप्शन करेक्ट था लेप्टोमेस्टिक्स डेक्टिलोपी ये क्या है आपका बेसिकली येलो ब्राउन कलर का वॉस्प है छोटा सा इसका साइज होता है ये क्या करता है जो आपके मिलीबर्ग्स हैं मिली बग्स के जो लेट इंस्टार्स हैं उनके ऊपर अटैक करेगा उनको ममीफाई कर देगा उनकी ड्राइंग कर देगा और उसके बाद में उसको क्या करेगा च्यू करके बाहर निकल जाएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर था इसीलिए ऑप्शन सी था उसके बाद में पूछा गया था तो तो वो 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 आपके PTM, ट्यूबर के लिए यूज किया जाता है। फिर पूछा गया था तो वो आपका ट्यूबर का था। आपका था वो था आपका आपका का इसीलिए जो चलिए हमने ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया अब आप फोटो में देख सकते हैं कि ये आपका अडल्ट है या आपका अडल्ट और मिलीबर्ग है और ये उसको क्या कर रहा है पेरासिटाइज कर रहा है ममीफाई कर रहा है और फिर उसको च्यू करके एग्जिट होल से बाहर निकल जा रहा है उसके बाद में क्वेश्चन है विच डिजीज ऑफ ग्राउंड गया था ग्राउंड नट की कौन सी डिजीज थ्रिप्स की वजह से होती है ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए है स्टेम रॉट ऑप्शन बी है बर्ड नेक्रोसिस, ऑप्शन सी है रॉट ऑप्शन डी है ऑल्टरनेरिया और ऑप्शन ई e है लीफ स्पॉट तो इसमें बताना था कि थ्रिप्स की वजह से कौन सी डिजीज हो रही है आपकी नट में जिसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे कि स्टेम रॉड दिया गया है बर्ड ने दिया गया है रूट रॉड दिया गया है ऑल्टरनेरिया दिया गया है और लीफ स्पॉट दिया गया है तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है चलिए तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर दिया है जो करेक्ट आंसर है वो है बर्ड नेक्रोसिस। थ्रिप्स की वजह से क्या होता है में होता है. अब आपको पता है, है थ्रिप्स क्यों बोला गया जो आपका नट है वहां पे क्या होता है थ्रिप्स की वजह से जब भी बर्ड नेक्रोसिस होगा तो जनरल क्लोरोसिस होगी मॉटलिंग होगी जो आपके ऊपर वाले बर्ड हैं टॉप बर्ड्स हैं उनकी किलिंग हो जाएगी और फिर नीचे की तरफ को किलिंग होना शुरू हो जाती है मतलब नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है बेसिकली ये वायरस की वजह से होता है ग्राउंडनट बर्ड नेक्रोसिस वायरस की वजह से होता है पर इसका ट्रांसमिशन किसकी वजह से होता है थ्रिप्स की वजह से होता है इसीलिए इनडायरेक्टली पूछा गया कि थ्रिप्स की वजह से कौन सी डिजीज होती है ग्राउंडनट में इसीलिए इसका जो आंसर है वो है आपका बर्ड नेक्रोसिस और आपकी थ्रिप्स की कौन कौन सी स्पीशीज हैं जिनकी वजह से बर्ड नेक्रोसिस होती है जैसे कि थ्रिप्स थ्रिप्साइड थ्रिप्स पामाइड या फिर स्पीशीज तो इसकी वजह से आपका बर्ड नेक्रोसिस होता है ग्राउंड नट में इसीलिए क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था चलिए तो फिर आज के सेशन के लिए इतना काफी है नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपसे पैथो के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर ए एफ में कौन कौन से पैथोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे गए थे तो आज के लिए इतना काफी है थैंक यू थैंक यू सो मच